क्या आप अपनी गाड़ी में कोई भी हथियार रख सकते हैं? रख सकते हैं तो कैसा रख सकते हैं? क्या कुछ है जो आज की इस वीडियो में आपको सारी डिटेल दूंगा, एक गाड़ी में क्या क्यों आप रख सकते हैं। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। और उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में घंटी को जरूर। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी गाड़ी के अंदर कोई सा भी हथियार रख सकते हैं, गन, पिस्टल या फिर हॉकी वगैरह, ये रख सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले जो धारा है एक्ट, द एर्मस एक्ट 1995 के तहत कोई भी पुलिस वाला या कोई भी अधिकारी जो है आपकी गाड़ी की चेकिंग के अंदर अगर कोई भी ये पिस्टल वगैरह या फिर हॉकी ऐसा कोई भी सामान मिलता है तो वह आप खिलाफ एक्शन ले सकता है। और आपके वो जो भी इस तरीके के हथियार हैं उनको जब्त कर सकता है और आप पे चार्ज भी लगा सकता है। तो सेक्शन 23 की धारा ही आपको पुलिस सभी चेकिंग कर सकता है। और हथियार किसको कहते हैं तो देखिए, गन, पिस्टल या बंदूक, तलवार और हॉकी वगैरह, इन सबको हथियार कहते हैं या नहीं कहते हैं, इन सबको हथियार कहते हैं। तो अब जो डेली हॉकी बैट, इन सबको जो है आप अपनी गाड़ी में नहीं रख सकते हैं। अपनी गाड़ी में किस हथियार को रख सकते हैं जिससे आपकी बचाव हो सके? तो कानून जो है वो हथियार को नहीं मानता। नंबर एक पे है लाठी, लाठी या बैट जिसको बोलते हैं उसको कानून जो है हथियार नहीं मानता है। और स्टील की छड़ी आपने देखी होगी, आज के लिए इलीगल है गाड़ी के अंदर आप इसको रख सकते हैं, स्टील की छड़ी को, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और पेपर स्प्रे, ये औरतों के लिए भी जो है खास बनाया गया है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति के ऊपर जब इसको छिड़का जाता है तो उसकी आंखों में जलन सी होने लगती है और वो अंधे टाइप में हो जाता है, तो उससे आप बच सकते हो। और एक होता है रोड, जो भी आप अपनी गाड़ी के अंदर जो भी आप हथियार रखते हो जैसे रोड गया, पाना हुआ, ये सभी चीजें रखते हो, तो इनसे क्या होता है कि आप एक लीगल माने जाओगे कि गाड़ी के अंदर कोई हथियार भी नहीं है। अगर आप एक बैट या हॉकी ऐसी चीजें रखते हो लेकिन उनसे आप प्रहार करते हो किसी व्यक्ति के ऊपर, और अगर आप ये कहते हो कि मैंने जो है पाने से या फिर व्हील्स इन चीजों से इसके ऊपर प्रहार किया है तो वो पुलिस या अधिकारी इस चीज को नहीं मानेगी। अब एक बात और करते हैं कि इंडियन पेनल कोड 96 सेल्फ डिफेंस, इसका अंतर यह कि खुद की रक्षा खुद करना, ये कब आपको जो है लागू करना है? तब आपको लागू करना है जब पुलिस मौके पे नहीं पहुंच सकती है और व्यक्ति जो है आपको मारने की कोशिश करे या फिर बंद गाड़ी के अंदर पुलिस वहां पर नहीं है और आप पे मारने या पीटने का जो है माहौल बन जाता है, तो उसमें आप अपनी रक्षा कर सकते हैं खुद। वो भी जैसा वो करता है वैसा ही आपको करना है, ये नहीं कि अगर वो आपको थप्पड़ मारे तो आप उसको गोली मार दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो उसको अपने हिसाब से जो है मैनेजमेंट कर सकते हैं, जैसा वो करे ऐसा करना है। और वो भी आपको साबित कर रहा होगा कि हाँ इसने मुझे ये पहले थप्पड़ मारा था या फिर गोली मारी थी या फिर कुछ भी कहा था, तो वो आपको साबित करना होगा। ये नहीं है कि वो थप्पड़ मारे आप गोली मार दो, तो ये आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर आप रखना चाहते हैं तो हथियार आप ये रख सकते हैं, लाठी और स्टील, पेपर स्प्रे, ये चीज आप रख सकते हैं। आपको ऐसा कोई भी हथियार अपनी गाड़ी के अंदर नहीं रखना है जिससे कि ये साबित हो कि आपकी जान जा सके या दूसरे की जान जा सके। आपको ऐसा सामान रखना है कि किसी की जान न जाए। गाड़ी के अंदर बहुत से सामान होते हैं लेकिन अगर आपको गन रखनी है, गन की बात मैं यहाँ पे करूँ तो गन के लिए आपको लाइसेंस होना चाहिए। एक ट्रक ड्राइवर या कार ड्राइव के लिए बहुत बड़ी बात, बहुत खर्च होता है इसमें, बहुत पैसे लगते हैं एक लाइसेंस बनवाने के लिए बंदूक का। तो इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो आपके जीवन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो से थोड़ा सा नॉलेज आपको मिला है। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो दोस्तों, आज के लिए जय हिंद।